हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि नेफ्ट का एग्ज़ाम इज़ कमिंग अप, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं MFM का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में लास्ट ईयर, उसका एक्चुअल पेपर, उसके एक्चुअल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो निफ्ट में MFM में आए हुए हैं। तो स्टार्टिंग विथ, मैं PDF स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप लोग को जहां पे लगे आप लोग वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट कर सकते हैं आंसर्स के साथ। ये PDF है। पहला यहां पे सेक्शन GK से स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। ITEP एब्रिवेशंस पूछे गए हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री भी आया है, देन यहाँ पे एक नया पोर्शन इकोनॉमिक्स का भी इंक्लूड किया था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वाला क्वेश्चन है ये, और इकोनॉमिक्स से डेफिसिट भी पूछे गए थे, फिजिकल डेफिसिट। और ये तो ऐसे यहाँ पे अभी हमने 5 क्वेश्चंस जो देखे हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पक्का है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लीव कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत होता है तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, इट विल बी फॉलिंग ऑफ। तो नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। देन यहाँ पे नेक्स्ट आया था सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि परम प्रवेगा कौन सा कंप्यूटर है। देन इंपॉर्टेंट डेज, जो कि आपका GK का एक फिक्स टॉपिक है और पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। अब यहाँ पे आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूछी गई थी, हिस्टोरिकल साइट्स पूछी गई थी, और उनको किस पर्सन ने फाउंड किया था और उनके इंस्क्रिप्शन कैसे थे, ये पूछा गया था पर्सन के नेम के साथ। फिर यहाँ पे अगेन फिर से हमें एक क्वेश्चन दिखता है इकोनॉमिक्स से, जो इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेट करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, पुगमिया पिनाटा। तो आपको नहीं आते हैं क्वेश्चंस, आप इजीली इसको स्किप कर दीजिएगा, प्लीज़ परेशान मत होइएगा एग्जाम के टाइम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, चारकोल विच इज़ यूज इन डी कलरिंग रॉ शुगर इज एनिमल चारकोल, चारकोल के टाइप्स पूछे थे। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी भी बच्चे देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे कि वॉट टू डू, या कौन सा कंटेंट या कौन सा पोर्शन हम GK में पढ़े। तो GK जो है सेक्शन आपका, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन है, स्पेशली जो हमने 2023 के पेपर में हम अभी देख रहे हैं MFM का, तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे मोनार्की पूछी गई थी, पार्लियामेंट्री स्टेट से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका बायो से रिलेटेड, जो कि केरला वेट डॉक्टर ने रिसेंटली रिसीव किया था पेटेंट इन्वेंटिंग बायोडीजल, तो वो कौन सा पेटेंट किस चीज़ के लिए था। देन यहाँ पे इसरो PSLV C52 जो फेब 2022 में लॉन्च हुई थी, 1 साल का GK आपसे पूछता है पुराना, तो वो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, सेटेलाइट का नेम। देन यहाँ पे जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई थी आपके 2022 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देन अगेन एब्रिवेशन था यहाँ पे CBDC का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, क्योंकि उस टाइम क्रिप्टो बहुत फेमस था 2022 में, बहुत हाइप पे आया था। वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये कौन से सी में नहीं टेक प्लेस करता है। देन स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, शेप्स वगैरह कुछ पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली स्किप कर दीजिएगा, इन क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पॉलिटी वाले सब्जेक्ट से देखे गए थे, जिसमें आपका ये वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स चेयरमैन वगैरह से क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका UPI पेमेंट से था, कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इंटरनेशनल आर्म ऑफ दी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या अवेलेबल कराया है इन्होंने कौन सी कंट्री को, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि करंट न्यूज़ में थी 2022 में। दो कंट्रीज़ जिन्होंने सेंकाकू आइलैंड ग्रुप को लोकेट किया था ईस्ट चाइना सी में, वो कंट्रीज़ कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप, ये स्टैटिक GK का हमारा टॉपिक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो जनरल नॉलेज स्टैटिक में, अगेन क्वेश्चन आता है आपका लार्जेस्ट पोर्ट, टाइडल पोर्ट, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ पे, गोवा का फोक डांस पूछा था। शंकराचार्य टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट शंकराचार्य जी ने कंपोज नहीं किया, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन शुरू हो गया था, 25 GK क्वेश्चंस के बाद आपका सेक्शन शुरू हो गया था,
जो कि ये देख सकते हो आप, ये सेक्शन आया है आपका इंग्लिश का, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जिसको रीड आउट करने हैं वो ये क्वेश्चंस रीड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सेक्शन इंग्लिश का है। फिर इसी के बाद आपका यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया था। रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, डायरेक्शन, फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार आए थे MFM में, जो कि इससे पहले कभी नहीं आए हैं। ये क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज़ इसको अच्छे से। अगेन फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देन यहाँ पे मैथ से स्टार्ट हो जाती है आपकी, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। देन अगेन यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन आ जाता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक से स्टार्टिंग हुई गई हो रही है आपकी, एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फिल करने हैं आपको। तो ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, निफ्ट MFM 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हैं इसको। देन यहाँ पे सिनोनियम्स एंड टोनियम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नियरली सेम इन मीनिंग ऑफ वर्ड सिनोनियम्स हो गए आपके, एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा तो पेपर पैटर्न का काफ़ी क्लोज आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ पे बेस्ट क्लोज वर्ड फाइंड करना है आपको, ये क्वेश्चंस फॉल हुए हैं आपके, इस पे आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है कि सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं वर्ड्स पर, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना होता है। दैट इज़ यहाँ पे स्पेलिंग एरर करेक्शन आ गया है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना था आपको इस क्वेश्चन में। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइंड करना था, अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें बताना था आपको। तो एक सजेशन देना चाहूँगी, आप क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करिएगा प्लीज़ एक बार डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 72 में है, MCQ हैज़ 4 ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, चलो ठीक है। नेक्स्ट में डायरेक्शन चेंज हो गया, 1 हैज़ मार्क बोल्ड, चूज द वर्ड विच हैज़ बीन स्पेल्ड करेक्टली, स्पेलिंग एरर करेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अगेन यहाँ पे उसने सिनोनियम का क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। नेक्स्ट में डायरेक्शन में उसने अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ लिया है। तो एक बार प्लीज़ डायरेक्शन रीड कर लीजिएगा, देन इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। देन यहाँ पे आपके पैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और पैसेजेस के लिए आपको एक साइट रिफ़र करना चाहूँगी, इट्स interviewmania.com, आप उस साइट से प्रैक्टिस करिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पैसेजेस के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो, क्योंकि उसमें रीसेंट टॉपिक से पैसेजेस भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच था, तो ये आपका करंट न्यूज़ में रिलेटेड हुआ था कि केमिकल इंडस्ट्री को ये कैसे हार्म कर रहा है, प्लास्टिक केमिकल्स को, तो उससे रिलेटेड ये आपका पैसेज है। तो एक बार आप interviewmania.com साइट रिफ़र करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन ये पैसेजेस थे आपके, आप देख सकते हैं, इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार रीड भी कर लीजिएगा। केस स्टडी आपकी फॉल होती है, आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। और जो क्वेश्चंस में आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो फिर उस टाइम उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट पे मूव कर जाइएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टाइम इतनी जल्दी जाता है कि आपको आइडिया नहीं लगता है। सो अगर आपको लगे कि आपको अभी स्किप कर देना चाहिए, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाइएगा, उस पर टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा, बिकॉज MFM के लिए आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 3 आवर्स में आपको अटेम्प्ट करने होंगे GAT पोर्शन में। आपका केस स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, केस स्टडी और पैसेजेस मिक्स हैं, तो एक बार आप प्लीज़ सारे पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा।
हिंदी इंग्लिश दोनों इसी फॉर्मेट में आपका पेपर भी रहेगा, जो आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे वो भी इसी फॉर्मेट में रहेगा। जैसे मिलेट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मिलेट्स से रिलेटेड पैराग्राफ आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो जैसे पिछले साल न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा G20, तो आप G20 को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, जी समिट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उससे रिलेटेड पैराग्राफ हैं कुछ मिलेंगे आपको गूगल जब आप करोगे उससे, वो आप गो थ्रू कर सकते हो, ये चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे हमारा लास्ट ईयर सन मिशन हुआ था आदित्य L1, देन आपका मून मिशन हुआ था, ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, जो करेंटली उसमें आपका टच करता है। चंद्रयान आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है लास्ट ईयर, अमेज़ॉन मिनी TV, उस पर कोरियन ड्रामा अभी लेटेस्ट आया है हिंदी डब्ड, हर यूट्यूबर हर कंटेंट क्रिएटर उसका ऐड कर रहा है, प्रोमो कर रहा है, तो एक बार आप वो भी देख सकते हैं। बस आपको करंट से टच में रहना है कि करंट में जो जो टॉपिक्स हैं उससे आपको टच में रहना है, इन केस कभी हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको लगेगा क्वेश्चन ब्लैंक आउट कर रहा है आपको, आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी आगे क्या करें, तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड। बाकी इनको अगर आपको ब्रीफ में रीड करना है, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको ब्रीफ में रीड कर लीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आधे से ज़्यादा लोग अभी थक गए होंगे कितना बड़ा पेपर है, बट एक्चुअल पेपर आपका इतना ही होता है MFM कैंडिडेट्स का। सो इसमें आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको इतना 3 आवर्स टाइम लिमिट के साथ आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, फाइनल एग्ज़ाम में आप ड्रेन नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये था प्रीवियस ईयर पेपर एग्जैक्टली MFM 2023 कैसा रहा है। सो हम बाकी के भी 2023 के पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही आपको स्लाइड में शो कर दिए जाएंगे, सो दैट आपको भी एक क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट आप अपने आप को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। And thank you for watching this video. Thank you so much. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you so much.